नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ काफी सारे ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़ जिसकी मदद से बिना एक रुपया खर्च किए हुए आपके घर के मुश्किल से मुश्किल काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम हमारी अगली यूजफुल टिप्स को, जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही यूजफुल होने वाली है। हमारे पास जो ये गोला यानी कि नारियल होता है सूखे वाला, आपने देखा होगा इसके काफी सारे फायदे होते हैं, लेकिन कई बार जब ये हमारे पास ज्यादा मात्रा में होते हैं तो हम इसे स्टोर ठीक से नहीं कर पाते हैं और ये कुछ टाइम बाद अंदर से खराब होने लगते हैं। तो इन्हें स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास भी घर में इस तरीके का नारियल या ड्राई गोले बचे हुए हैं तो आप भी ये तरीका यूज कीजिएगा लंबे टाइम तक इसको सुरक्षित रखने के लिए। आपको क्या करना है ना, इसको बीच में से काट लेना है, इसे दो टुकड़ों में बांट देना है। अगर आपका गोला गंदा है ना तो आप इसे पहले पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा ताकि इसके ऊपर से जो भी गंदगी है ना वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद जो घी है ना, मैंने यहाँ पर देसी घी लिया हुआ है घर का बना हुआ, और इस घी की नारियल के ऊपर बहुत ही अच्छे से कोटिंग कर दी है अंदर बाहर चारों तरफ। इस तरीके से ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और लंबे टाइम तक भी चलेंगे। अगली यूजफुल टिप्स में दोस्तों, ये जो झाड़ू रोज सफाई के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ना, इसका मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। आपने देखा होगा जब हम नया झाड़ू मार्केट से लेकर के आते हैं ना, तो ये बिल्कुल खिली खिली होती है, एकदम फुली फुली सी, लेकिन उसको इस्तेमाल करते करते कितना टाइम हो जाता है और वो झाड़ू टूटती बिखरती रहती है। इतनी सारी गंदगी साफ करने के बाद झाड़ू जो है आपस में चिपक सी जाती है। आप एक काम करिएगा, अगर आपको झाड़ू बिल्कुल नए जैसे बनानी है, आपको क्या करना है ना, आपका जो पुराना झाड़ू है उसको एक बाल्टी में पानी डाल करके उसके अंदर उसे भिगो देना है। अच्छा, अगर आप ये सोचेंगे ना कि ये पानी से खराब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पानी से झाड़ू बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। बस इतना है कि झाड़ू को गीला करने के बाद आपको इसे सुखाना बहुत जरूरी है। अगर ये अंदर से गीली रहेगी तो हो सकता है कि ये खराब हो सकती है। अगर आप इसे हल्का सा धो लेंगे ना बढ़िया से, 15 मिनट के लिए आपको इसी तरीके से ऐसे ही छोड़ देना है। बिल्कुल बढ़िया से भिंगाने के बाद आपको इसे पानी में ही छोड़ देना है। मेरे पास तो ये छोटी बाल्टी है, मैं इसे हाथों से अच्छे से ऊपर तक भिंगा रही हूँ। आप चाहे तो बड़ी बाल्टी ले सकते हैं या फिर टब ले सकते हैं और बढ़िया से इसे अच्छे से भिंगा दीजिए और 15 मिनट बाद इसे निकाल लीजिए और इसे ना आप थोड़ा सा झटक लीजिए। आप ना इसे धूप में बढ़िया से सूखने के लिए रख देना। आपको ना मैं दोनों झाड़ू में डिफरेंस दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद जब मैंने इसे धूप में सुखाया और पहले में कितना फर्क है, कितना ही ज्यादा डिफरेंस है। पहले की झाड़ू कितनी पतली लग रही है और जो हमने धूप में सुखाया गीला करने के बाद वो झाड़ू कितनी खिली खिली लग रही है। अगली यूजफुल टिप्स में, हमारे घर में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल तो हर घर में किया जाता है, वो भी सिर्फ तड़के के लिए। ये दोनों चीज ऐसी हैं जो हर घर में मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से, लेकिन इनके जो छिलके होते हैं ना, हम इन्हें बेकार समझकर यूं ही फेंक देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें। इनके छिलकों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी ही नेचुरल चीजें हैं। इनका इस्तेमाल करने से ना ही किसी तरीके का साइड इफेक्ट होता है, ना ही किसी तरीके की परेशानी होती है। इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है, आपको कोई भी एक कपड़ा ले लेना है, उसमें डाल देना है आपको आधा चम्मच के करीब नमक। तो ये खाने वाला नमक था, आप और भी कोई नमक ले सकते हैं जैसे कि काला नमक, सेंधा नमक, जो भी आपके पास हो। और ये जो छिलके हैं ना प्याज और लहसुन के, आपको इसे बीच में रख देने हैं नमक के साथ, और इसे आपको एक पोटली की तरह बना लेना है। और आप एक डोरी ले लीजिए और इसमें बढ़िया सा एक गांठ लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक बढ़िया से डोरी ले ली है, इसे बढ़िया से लपेट करके बांध दिया है, अच्छे से गांठ लगा दिया है।
अब आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। बहुत ही यूजफुल टिप्स है, हाउसवाइफ को तो ये जरूरी ध्यान से देखनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा अभी तो खास करके गर्मियों के दिन चल रहे हैं और हमारे घर में मच्छर मक्खियां तो बहुत ज्यादा आते हैं और छिपकली भी आती है, कई घरों में तो बहुत ही ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं उनको अपने घर से दूर करने का। तो आप यहाँ पर खिड़की पर इसे टांग दीजिए या फिर जहाँ पर आपको लगता है कि छिपकली मच्छर ज्यादा आते हैं तो उस रूम के बाहर आप खिड़की पर या फिर दरवाजे पर कहीं पे भी टांग सकते हैं। तो इस ट्रिक से मच्छर मक्खियां छिपकली वगैरह नहीं आती हैं, बहुत ही कम हो जाएंगी आपके घर में आना इनका। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स थे जो आपके घर के छोटे छोटे काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे ट्रिक्स पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन सारे टिप्स का फायदा बाकी सारे लोग भी उठा सके। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नए टिप्स और ट्रिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।